Hello guys, our today's topic is writing a cell reaction. See, in the last video we studied how to represent the galvanic cell. Galvanic cell के representation के लिए different rules है, जैसे anode left hand side में हम लोग place करते हैं, cathode on the right hand side. So जो भी solid metal होगा उसका नाम लिखना है. We have to represent the state of that metal, also solid, liquid, gas, जो भी होगा वो. Then vertical line, फिर उसका ionic solution, फिर double vertical line, ionic solution, सिंगल वर्टिकल लाइन एंड देन सॉलिड मेटल और दी कैथोड. अंडरस्टूड? तो इस तरह से हमें रिप्रेजेंटेशन करना था. नाउ वी आर गोइंग टू सी टुडे, अगर पर्टिकुलर सेल दिया है हमारे पास, इफ़ वी आर हैविंग अ गैल्वेनिक सेल और उसका हमें सेल रिएक्शन लिखना है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. एंड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमें ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना है. सो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ रूल और व्हाट सॉर्ट ऑफ अ मेथड वी नीड टू फॉलो, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इन राइटिंग अ सेल रिएक्शन. गाइज, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि गाइज आपको एक इक्वेशन आएगा, दैट इज़ कॉल्ड नर्ड्स इक्वेशन, और आपको उसके बेसिस पे हमें EMF ऑफ द सेल, यानी सेल का पोटेंशियल कितना है, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. डिफरेंट वैल्यूज़ यू विल बी गेटिंग इन द सम्स ओनली, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, जहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल का पोटेंशियल दिया होगा, सेकेंड सेल का पोटेंशियल आपको फाइंड करना होगा. लाइक दैट ओनली आपको वो फॉलो करना. एंड हियर उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा हाउ टू मींस टू राइट द केमिकल इक्वेशन और सेल रिएक्शन. जब अगर सेल रिएक्शन हम लोग नहीं लिख पाए, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन हम लोग नहीं लिख पाए, देन हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते, यानी सम के स्टार्टिंग में ही हम लोग रुक जाएंगे. बिकॉज सम के स्टार्टिंग में ही हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन लिखना होता है, क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो हमें पता चलेगा बाय राइटिंग अ सेल रिएक्शन ओनली. सो गाइज, ये देख लो, सिंपल से स्टेप्स है, 3 to 4 स्टेप्स आर देयर, जिससे कि हम लोग सेल रिएक्शन आसानी से लिख सकते हैं. ओके, सो विल स्टार्ट द राइटिंग अ सेल रिएक्शन. द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो टू राइट द सेल रिएक्शन. फर्स्ट वन, राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फॉर द लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड. जो भी हमें सेल जो रिप्रेजेंट किया जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है, ऑक्सीडेशन, एंड राइट हैंड साइड में कौन सा इलेक्ट्रोड रहता है, रिडक्शन रिएक्शन. अंडरस्टूड? सो हियर हमें यू नो फ्रॉम द सेल ओनली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में है ऑक्सीडेशन एंड राइट हैंड साइड में है रिडक्शन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड. सो बट ऑब्वियस ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड के लिए जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना होगा वो कहाँ से होगा, लेफ्ट हैंड साइड से ओनली. सो राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फॉर लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड. अंडरस्टूड? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फॉर लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन फॉर द राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड. ठीक है गाइस, तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, सेल रिप्रेजेंट किया होगा तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन किसका लिखना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड राइट साइड हाइड इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हाफ रिएक्शन. अंडरस्टूड ना? लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, राइट हैंड साइड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ये क्लियर हो गया पॉइंट. नाउ सेकेंड वन, एड टू हाफ रिएक्शन और टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन टू गेट द ओवरऑल सेल रिएक्शन. अगर हमें ओवरऑल सेल रिएक्शन चाहिए तो दोनों हाफ रिएक्शन जो होगा आपने लिखा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इन दोनों को ऐड कर दो. अब उसमें क्या करेंगे, वाइल एडिंग इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कैंसल. जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अंडरस्टूड, तो हम लोग प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे. रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट होगा, अंडरस्टूड, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन हम लोग लिखेंगे ऑन द रिएक्टेंट साइड. अंडरस्टूड? प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज़ ऑक्सीडेशन, रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज रिडक्शन. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ऑन बोथ द साइड, वो इलेक्ट्रॉन हमें कैंसिल करने पड़ेंगे. वे हैव बिकॉज हम लोग अभी क्या लिख रहे हैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन. सो टू राइट द ओवरऑल सेल रिएक्शन, वी नीड टू ऐड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. बट वाइल एडिंग दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, वी हैव टू कैंसिल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दैट रेडॉक्स रिएक्शन. मीन्स ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है, वो हमें कैंसिल करने पड़ेंगे. अंडरस्टूड? फॉर दिस पर्पज इट मे बी नेसेसरी टू मल्टीप्लाई वन और बोथ हाफ रिएक्शन बाय अ सुटेबल न्यूमेरिकल फैक्टर. नो इलेक्ट्रॉन शुड अपियर इन द ओवरऑल रिएक्शन. गाइज, इसका मीनिंग क्या है, सी कंसिडर करो कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लूजिंग द 3 इलेक्ट्रॉन.
ओके, वन एटम लूजिंग थ्री इलेक्ट्रॉन। एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में रिड्यूस करने के लिए पर्टिकुलर आयन का सिर्फ रिक्वायर टू इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ में इलेक्ट्रॉन को डोनेशन है तीन, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले रहा है दो ही। ओके, जब हम लोग ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे तब जब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे तो 3-2 हो जाएगा वो, सो वन इलेक्ट्रॉन में अपियर इन द ओवरऑल सेल रिएक्शन। बट द कंडीशन इज नो इलेक्ट्रॉन शुड अपियर इन द ओवरऑल सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन जब हम लिखेंगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन जब हम लिखेंगे, सो नो इलेक्ट्रॉन शुड अपियर इन दैट सेल रिएक्शन, यानी एनी हाउ हमें वो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना। अब फिर उसके लिए क्या करेंगे, हमें एक्चुअली मल्टीप्लाई करना होता है द न्यूमेरिकल वॉट एवर द कोएफिशिएंट नंबर होगा इलेक्ट्रॉन का, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन में उसको मल्टीप्लाई करना होता है। सो दैट इज़ एक्चुअली गिवन इन द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर, ठीक है। बट जस्ट रिमेंबर ओवर हियर टू राइट द ओवरऑल सेल रिएक्शन, क्या करना है हमें, हमें दोनों हाफ रिएक्शन ऐड करनी है। अंडरस्टूड? वी नीड टू ऐड बोथ दी हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन ऐड करते वक्त हमें इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए। अंडरस्टूड? कोई भी इलेक्ट्रॉन हम लोग लिखेंगे नहीं, एनी हाउ हमें वो कैंसिल करना है। नाउ वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स कि वो किस तरह से कैंसिल किया जाता है। सी हियर द थर्ड पॉइंट, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंडिविजुअल हाफ रिएक्शन मे बी रिटन विथ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। It is important that and important to note that individual half reaction may be written with one or more electron. Okay, यहाँ पे एक जो electron individual half reaction, यानी क्या, either it is oxidation half reaction or reduction half reaction, यह एक या एक से ज़्यादा electron से भी वो लिखा गया होगा। For example, half reaction of H2 gas written as, देखो 2H plus ions plus 2 electron. अंडरस्टूड? 2H प्लस आइंस है, रिड्यूस हो रहा है बाई एक्सेप्टिंग द 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फॉर्म क्या हो रहा है, H2। अंडरस्टूड? उसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब 2H प्लस आइंस एंड, बट ऑब्वियस देखो फाइन, देर इज़ नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन द नेचर। अंडरस्टूड? सिंगल हाइड्रोजन एटम तो नहीं होता नेचर में, तो दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होंगे एंड देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन गैस। अंडरस्टूड? टू हाइड्रोजन एटम कंबाइन टुगेदर एंड इट डू फॉर्म्स दी हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल, एंड देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल इन द नेचर। तो कभी भी जब सिंगल हाइड्रोजन आयन, आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन आयन गाइस, हाँ, यानी एच प्लस आयन रिड्यूस होगा तो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अंडरस्टूड? सो एच प्लस आयन एक्सेप्टिंग द वन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स हाइड्रोजन एटम, बट एक हाइड्रोजन एटम का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है नेचर में, सो वन हाइड्रोजन एटम कंबाइन विथ अनदर हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म्स द एच टू गैस। अब वो एच टू गैस के लिए तो टू हाइड्रोजन आयन शुड बी रिड्यूस ना, तो इसीलिए टू बैलेंस दैट केमिकल इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2H प्लस आयन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2H प्लस आयन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स एच टू गैस। अंडरस्टूड? और या फिर हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर सिंगल ही हमें हाइड्रोजन एटम ही लिखना है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि H प्लस आइंस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, या फिर E माइनस, H प्लस आइंस प्लस E माइनस, इट गिव्स, जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटम का है तो एग्जिस्टेंस नहीं है, तो पुट द एच टू गैस बट 1/2H2, 1/2H2 यानी हाफ एच टू, हाफ एच टू का 2 गेट कैंसिल, तो इसका नेचुरली मीनिंग हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल हाइड्रोजन एटम। सो इट मेक्स नो डिफरेंस ओवर हियर, सो इन राइटिंग द ओवरऑल सेल रिएक्शन द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कैंसिल। अंडरस्टूड? सो जो भी हम लोग जब इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और मे बी इन द रिडक्शन हाफ रिएक्शन, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम्स जो भी एग्जिस्टेंस सब्सटेंस आ रहा है एज अ प्रोडक्ट, वो भी नेचर में एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं, दैट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टूड? अब देखते हैं एग्जाम्पल से कि पूरा सेल रिएक्शन किस तरह से लिखा जाएगा। सी हियर वी हैव, आई हैव पुट ओवर हियर द सेल Ni इन अ सॉलिड स्टेट सिंगल वर्टिकल लाइन Ni2+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ni2+ आयन इज 1 मोलर। अंडरस्टूड? इसका मीनिंग क्या है कि Ni एक इलेक्ट्रोड है, Ni प्लेट, निकल प्लेट सॉलिड स्टेट में, जो कि उसके आयोनिक सोल्यूशन में डीप्ड है, जैसे इट में भी है NiSO4 और NiCl2, कोई भी सोल्यूशन होगा जिसमें Ni2+ आयन है, कॉन्सेंट्रेशन उसका 1 मोलर। डबल वर्टिकल लाइन दैट इंडिकेटिंग द सॉल्ट ब्रिज, फिर Al3+ आयन हैविंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोलर, सिंगल वर्टिकल लाइन Al इन अ सॉलिड स्टेट, यानी यहाँ पे Al3+ आयन में एल्यूमिनियम प्लेस है। बच्चों यहाँ पे एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा है, एनोड इज
लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, और लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है, निकल, सो निकल इज अ एनोड, एंड राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड इज एल्यूमिनियम, सो एल्यूमिनियम कौन सा हो गया, कैथोड, अंडरस्टूड, एन आई इज एनोड ओवर हियर एंड कैथोड इज एल्यूमिनियम, अंडरस्टूड गाइस। तो इस तरह से हम लोग वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनोड एंड कैथोड। सो बट ऑब्वियस एनोड के लिए हम लोग लिखेंगे एनोड हाफ रिएक्शन एंड कैथोड के लिए लिखेंगे कैथोड हाफ रिएक्शन। ओके, अब चलते हैं एनोड एंड कैथोड के लिए रिएक्शन। सी द ऑक्सीडेशन एट एनोड इज गिवन बाई एन आई गिवज एन आई टू प्लस ऑफ वन मोलार प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ओके गाइज, अब देखो यहाँ पे शायद आपको एक भी कन्फ्यूजन ये भी होगा स्टूडेंट कि निकल कितने आयंस फॉर्म करेगा या फिर कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ओके, निकल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अंडरस्टूड। वो एक्चुअली सेल में ही दिया होता है, निकल और उसके आयोनिक सोल्यूशन के साथ कॉन्टैक्ट है, अंडरस्टूड। एन आई उसके एन आई टू प्लस आयंस के साथ कॉन्टैक्ट है, तो एन आई जब भी ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन कितना लूज करेगा, टू इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू गिव्स दैट एन आई टू प्लस आयंस। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यू नो समझने की या फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके आयोनिक सोल्यूशन से के बेसिस पे ही हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडाइज मतलब लॉस या फिर गेन करना है, अंडरस्टूड। सो हियर एन आई इन अ सॉलिड स्टेट गिव्स एन आई टू प्लस आयंस हैविंग अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन मोलर प्लस टू इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड। प्लस टू इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा, क्योंकि एन आई को प्लस टू चार्ज होता है, बट ऑब्वियस। अब सी द रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे। अब एल्यूमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, Al3 प्लस आयंस, इट विल एक्सेप्ट थ्री इलेक्ट्रॉन टू गेट दी एल्यूमिनियम इन अ मेटालिक स्टेट और इन अ सॉलिड स्टेट। सो हियर Al3 प्लस आयंस हैविंग अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन मोलर प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Al इन अ सॉलिड स्टेट। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है हमारे पास Ni2 plus plus 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है Al3 plus आयंस plus 3 इलेक्ट्रॉन gives Al। अब इन दोनों ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल को रिएक्शन को हम लोग अगर ऐड करते हैं विल बी गेटिंग अ ओवरऑल सेल रिएक्शन, अंडरस्टूड गाइज। बट शायद यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बैलेंस ओवर हियर, क्योंकि जब भी ओवरऑल सेल रिएक्शन हम लोग लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कैंसल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। सी यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में दो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, बट रिडक्शन रिएक्शन तो एक्सेप्टिंग द थ्री इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड। तो फिर वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अवर प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड अ रिडक्शन रिएक्शन। You are getting my point? We need to first of all balance the number of electrons, or we need to first equalize the number of electron present in the oxidation half reaction and reduction half reaction. अब उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक ही चीज़ कर सकते हैं, हम लोग वो coefficient number से multiply कर सकते हैं। देखो निकल लूज कर रहा है टू इलेक्ट्रॉन, Al3 plus ions accepting थ्री इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो टू इलेक्ट्रॉन है उसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री से क्यों, क्योंकि थ्री इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम एक्सेप्ट कर रहा है, अंडरस्टूड। सो टू विल मल्टीप्लाई विद थ्री, मीन्स होल इक्वेशन इज एक्चुअली मल्टीप्लाइंग विद द थ्री ओनली। निकल का जो पूरा इक्वेशन है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, द होल फुल रिएक्शन विल मल्टीप्लाई विद थ्री कोएफिशिएंट नंबर, एंड इन केस ऑफ एल्यूमिनियम द होल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन विल बी मल्टीप्लाइंग बाई टू, अंडरस्टूड। सो टू थ्री इज़ आर सिक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स सिक्स इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एज वेल एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। समझ गए गाइस क्या करना है, जैसे देखो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहता। जैसे हम लोग ने डैनियल सेल का एग्जांपल पढ़ा जहाँ पे कॉपर जिंक डोनेट कर रहा है टू इलेक्ट्रॉन और कॉपर एक्सेप्ट कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड। तो दो दो इलेक्ट्रॉन है, सो नो नीड ऑफ यू नो बैलेंसिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर देयर, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के नंबर बैलेंस नहीं है, निकल डोनेट कर रहा है टू इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम एक्सेप्ट कर रहा है थ्री इलेक्ट्रॉन, तो डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में वेरिएशन है, अंडरस्टूड। एंड टू यू नो स्टॉप दैट वेरिएशन हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे टू दैट फर्स्ट इक्वेशन दैट निकल फॉर्म्स एन आई टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन उसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ए एल थ्री प्लस प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स ए एल इन अ सॉलिड स्टेट उसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडरस्टूड। जब ऐसे कोएफिशिएंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या आएगा। सी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पहला ऊपर वाला रिएक्शन देखो टॉप ऑफ द स्क्रीन, एन आई
फॉर्म्स Ni2 प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, उस रिएक्शन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, तो क्या हो गया, 3Ni इन अ सॉलिड स्टेट गिव्स 3Ni2 प्लस आयंस हैविंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोलर प्लस 2 × 3 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन. अंडरस्टूड गाइस, दिस इज अवर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मिला. सी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, स्क्रीन के ऊपर देखना, दैट इज सेकेंड रिएक्शन. Al3 प्लस आइंस 1 मोलर प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al इन अ सॉलिड स्टेट. अंडरस्टूड. अब वो जो हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, वो देख लो. दैट इज Al को 2, वो होल रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 2 ना. सो 2 Al3 प्लस आइंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा गाइज. ओके, प्लस 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन. अंडरस्टूड, 6 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स 2Al इन अ सॉलिड स्टेट. ओके, अब आप देखो, निकल या फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एल्यूमिनियम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब वो ऐसा करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द प्रोडक्ट साइड 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड ऑल्सो 6 हो गए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में. अब दोनों इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर लेंगे. If we are going to cancel the electron, 6 electron and 6 electron, तो जो भी हमारे पास ओवरऑल टू राइट द ओवरऑल सेल रिएक्शन, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो नोट कर देना है ओनली. देखो, रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 3Ni, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में रिएक्टेंट है 2Al3+, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे. यू कैन सी लास्ट रिएक्शन ऑन योर स्क्रीन, 3Ni इन अ सॉलिड स्टेट प्लस 2Al3+ आयंस हैविंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 मोलर इट गिव्स. अब प्रोडक्ट साइड में दोनों रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन का प्रोडक्ट साइड है वो नोट कर लो. ओके, इलेक्ट्रॉन नोट नहीं करना है. 3Ni2 प्लस आइंस कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर प्लस 2Al. अंडरस्टूड. सो ये हमारा हो गया ओवरऑल सेल रिएक्शन. दिस इज अवर ओवरऑल सेल रिएक्शन. तो ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए टू राइट द सेल रिएक्शन हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड को आइडेंटिफाई करना है. सेल रिप्रेजेंट किया होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड कौन सा है, राइट हैंड साइड वाला. तो फिर आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखो. यू हैव टू ऐड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. जब ऐड करेंगे तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको कैंसिल करना है कंपल्सरीली. इफ इन केस वेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तब उसी कोएफिशिएंट नंबर से हमें वो मल्टीप्लाई कर देना है. लाइक जो ये एग्जांपल हमने अभी देखा, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. Understood guys? So in this way we can write the overall cell reaction. So this is our topic to writing a cell reaction. Now the next topic is the electrode potential or a cell potential. See, galvanic cell generally contains 2 half cell. ठीक है ना, 2 half cell रहता है galvanic cell में या फिर voltaic cell में. Oxidation half cell and reduction half cell. Oxidation half cell produce यानी बताएगा oxidation reaction. Reduction half cell gives the reduction reaction. Each cell consists generally the metal plate and electrolyte. जहाँ पे जो दोनों हाफ सेल है, जहाँ पे मेटल प्लेट हो गया और उसको उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. ठीक है, एट द सर्फेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड मेटल एंड सोल्यूशन देर एग्जिस्ट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. जब हम लोग कोई भी मेटल प्लेट गाइज डीप करते हैं इन टू द एक्वियस सोल्यूशन, इफ़ यू डीप एनी मेटल प्लेट इन टू इट्स एक्वियस सोल्यूशन, तब वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म होता है बिटवीन मेटालिक प्लेट एंड द एक्वियस सॉल्यूशन. जस्ट लिसन मी केयरफुली गाइस, हाँ, आपको ये समझना होगा कि किस तरह से ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म होता है, तो किस तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म होता है. एक्चुअली देखो, जब कंसिडर करो कि हमारे पास CuSO4 सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, आपने देखा होगा वो 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री लैब में. बीकर में ब्लू कलर का सोल्यूशन है और उसमें हमने कॉपर प्लेट डाल दी. ओके, कॉपर प्लेट ब्राउनिश कलर की होगी, कॉपर मेटल, वो हमने कॉपर की एक प्लेट डाल दी. अब वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या होगा, एक तो कॉपर प्लेट यानी उसमें इट कंटेन्स द कॉपर CuMetal डिजॉल्व होगा इन दैट सॉल्यूशन. अंडरस्टूड, हालांकि डिजॉल्व होगा मतलब वो हमले पूरा दिखेगा नहीं, थोड़े बहुत एटम्स जाएंगे इनटू इट्स एक्वियस सॉल्यूशन. तो CU एक्चुअली ऑक्सीडाइज होगा वहाँ पे. अंडरस्टूड, CU क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा. तो Cu in a solid state gives Cu2 plus ions after losing 2 electrons. Understood? Cu metal, copper metal है, वो electron lose करेगा and it will form Cu2 plus ions. But obviously Cu2 plus ions goes into that solution only. और color change तो नहीं होगा क्योंकि same sort of ion will be there. Understood? अब जब electron lose करेगा वो Cu,
यानी कॉपर मेटल, तब दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, एक तो वो इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चला जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन वो मेटल प्लेट पे रहेगा। अंडरस्टूड, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चला जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट पे रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट पे रह गया तो मेटल प्लेट का पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अंडरस्टूड, और इलेक्ट्रॉन अगर सॉल्यूशन में चला गया तो सॉल्यूशन का चार्ज हो जाएगा नेगेटिव एंड मेटल का चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। अंडरस्टूड, अब समझ लो कि इलेक्ट्रॉन मेटल प्लेट पे ही है तो मेटल को नेगेटिव चार्ज, तो उसके अराउंड मेटल के अराउंड फिर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज अट्रैक्ट हो जाएंगे, और सॉल्यूशन में ऑलरेडी सी यू टू प्लस आयंस है तो सी यू टू के पॉजिटिव चार्ज यानी सी यू टू प्लस आयंस अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द कॉपर मेटल। अंडरस्टूड, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अंडरस्टूड, नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ खड़े होंगे एंड दैट इज द लेयर ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज सेट टू बी द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, और जब भी ये फॉर्म होगा तब पोटेंशियल डेवलप्ड होता है ऑन द इलेक्ट्रोड। सेकेंड केस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा समझ लो सोल्यूशन में, तो प्लेट को मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो भी सी यू टू प्लस आयंस है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे ऑन द प्लेट, तो सी यू टू प्लस आयंस यानी पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ प्लेट एंड नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सोल्यूशन ये साइमल्टेनियसली खड़े हो जाएंगे एक दूसरे के साइड बाई साइड, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, और वहाँ पे भी पोटेंशियल डेवलप होगा। यानी दोनों, जब भी मेटल प्लेट कभी हम लोग डीप करते हैं इनटू द सॉल्यूशन, टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, एक तो प्लेट को नेगेटिव चार्ज मिलेगा एंड इलेक्ट सॉल्यूशन को पॉजिटिव, या फिर प्लेट को पॉजिटिव एंड सॉल्यूशन को नेगेटिव, और ये डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डेवलप होगा। अंडरस्टूड, जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा ऑन द प्लेट एज वेल एज इन द सॉल्यूशन, ओके, पोटेंशियल डेवलप होगा ऑन द प्लेट एज वेल एज सॉल्यूशन, दोनों का पोटेंशियल तो बट ऑब्वियस डिफरेंस होगा, तो वो जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है उसी को बोलता है एक्चुअली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो सी द डेफिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस इस्टैब्लिश ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इस्टैब्लिश ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन अकरिंग एट द इलेक्ट्रोड सर्फेस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ गए गाइस, आपको समझ लेना है डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। द पोटेंशियल डिफरेंस इस्टैब्लिश होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शन यानी एक तो ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल को पॉजिटिव चार्ज एंड सॉल्यूशन को नेगेटिव, एंड रिडक्शन होगा तो मेटल को नेगेटिव चार्ज एंड सॉल्यूशन को पॉजिटिव। समझ रहे ना, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। सो पोटेंशियल डिफरेंस इस्टैब्लिश ड्यू टू इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शन अकरिंग एट द सर्फेस ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के सर्फेस पे ही होगा वो, दैट इज सेट टू बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या है, द पोटेंशियल इज एसोसिएटेड विद ईच हाफ सेल। दोनों हाफ सेल का पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन का भी एंड रिडक्शन का भी। अंडरस्टूड, सो पोटेंशियल एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज सेट एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल एसोसिएटेड विद द रिडक्शन रिएक्शन इज सेट टू बी द रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ ओवरऑल पोटेंशियल, उसको हम लोग ऐसा भी बोलते हैं EMF या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ द सेल ऑल्सो सेट टू बी द EMF और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये कैसे मिलेगा, बाय द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज वेल एज द रिडक्शन पोटेंशियल। सो द ओवरऑल पोटेंशियल इज सेड एज ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन। यू कैन सी एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन, दैट इज EMF ऑफ एनोड प्लस ई रिडक्शन, दैट इज EMF ऑफ कैथोड। दोनों का एडिशन कर दो, यू विल बी गेटिंग द ई सेल, टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल। टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल, दैट इज ई सेल, इज एक्चुअली गेट बाई एडिंग पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन एज वेल एज पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन। सो तो ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, और ई एनोड प्लस ई कैथोड। अंडरस्टूड गाइज, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल। और सो गाइज, आपको याद रखना है ये जो डेफिनेशन है जो बोल्ड फॉर्म में है आपकी स्क्रीन पे दिख रही है वो, एंड एट द बॉटम जो इक्वेशन है, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। अंडरस्टूड, थैंक यू।